बार पढ़ना अजीम इबादत है, बवाजे बना सलात पढ़ो। सलवात पढ़न नाल गुनाह माफ थींदे ने, बवाजे बलन सलवात पढ़ो। कुल बनी पढ़ना बिल्कुल मुख्तसर जी ड्यूटी देनी है। नियाज हुसैन मेरे पास तवज्जो करनी है, थोड़ी जे टाइम में तू सब तवज्जो मेरे पास देखनी है। जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम अल्लाह दा 70 घर बनाए, खाना काबा बनाए। नियाज हुसैन तवज्जो करनी, जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम अल्लाह दा 70 घर बनाए, खाना काबा बनाए। जले खाना काबा बना खड़े उन्ने आसमान दे पासे बुलंद की थस, आसमान दे पासे मुंह बुलंद की थस, देख के दे मेरा जबार उस्तार खालिक मेरा करीम अल्लाह, मैं तेरा 70 घर बनाए, मैं तेरा खाना काबा बनाए, मैं कोई इस दी मजदूरी नहीं। नियाज हुसैन तवज्जो करनी है, मैं कोई इस दी मजदूरी दे। खालिक फरमाए इब्राहिम अगे मैं तेको थोड़ा कुछ अता किते, साहिब कलमा साहिब शरीयत उलल अजम पैगंबर नबी बने, और तू 1,24,000 नबियों चो तू वहद नबी है जको मैं अपना खलील बनाए, यानी दोस्त बनाए। अगर एक दोस्त, अगर दोस्त दा कोई काम करे चा उंदा दोस्त ते एहसान नहीं होंदा। अगर दोस्त, अगर एक दोस्त दा कोई काम करे चा उंदा दोस्त ते एहसान नहीं होंदा। मिंबर दे तकद्दस दी कसम है, इब्राहिम दे कदे सही तुहाडा अपना फरमान है, मजदूर दी मजदूरी पसीना सुकण तो पहले दो, मैं तुहाडा 70 घर बनाए, मैं तुहाडा खाना काबा बनाए, मैं इस दी मजदूरी घिनसा ते सारी घिनसा और घिन के रासा। शिया मैं मिंबर दे तकद्दस दी कसम, जेड़ा बंदा है शिया मिंबर दी इज्जत दी कसम है, आखिरी बंदे तक लुत्फ नावत सैयद जाकरी पिन्नी भी नहीं। उस वेले इब्राहिम दे कहदा मैं तेरा 70 घर बनाए, मैं तेरा खाना काबा बने, मैं इस दी मजदूरी घिनसा ते सारी घिनसा और घिन के रासा, मैं घिन के रासा मिंबर दे तकद्दस दी कसम है। उस वेले खालिक दी आवाज आई, इब्राहिम इब्राहिम तैं मेरा 70 घर बनाए, तैं मेरा खाना काबा बनाए। बार बार जो पियाद है मिंबर दी तकद्दस दी कसम, जेले इब्राहिम आखना मैं तेरा 70 घर बनाए, मैं तेरा खाना काबा बनाए, मैं को मिंबर दे तकद्दस दी कसम है। उस वे खालिक दी आवाज आई, इब्राहिम मैं को ए दसा तै क्या मेरे अली दे भूखे शिया को एक टाइम दा खाना खावा, क्या तै मेरे अली दे भूखे शिया को एक टाइम दा खाना खावा। बस सिर्फ एक जुमला मुसीबत आले मोहम्मद दा, सख्त गर्मी दा मौसम है, ऐन दोपहर का टाइम है, मदीने तो बाहर जंगल एक अयाल है जेड़ा बकरियां च रहिंदा बैठा, इंदे कोल एक नकाब पोश है, इंदे कोल एक नकाब पोश है। ये शख्स देख के दे मैं अजनबी हाँ, ना वारदा ना वाकिफ हाँ, ना जानदा। मैं को ओ दस्तरखान दसा जिथों मैनू खाने मिले पानी भी मिले, मैं को ओ दस्तरखान दसा जिथा मैनु खाने मिले पानी भी मिले। अयाल ने कहा तू नहीं जानता, ए सामने वाली गली वैसे ना एक वसूल कदर दस्तरखान है जेदा मेजबान आप रात रोंदा बैठा है मगर किसी नु रोंदा नहीं देख सकता। शरीफो ए जालिम दा बच्चा जनाबे सजाद दस्तरखान ते आए, ए जालिम ने कहा सजाद मैं भूखा मैनु खाना दे, मैं प्यासा मैनु पानी दे। मातमियों से भी किताब लिखे इमाम दा नौकर है जिंदा नाम मिनहाल है, मिनहाल जल्दी दे नाल उठे इनू खाना भी देवा पानी भी देवा। जनाबे सज्जाद दी आवाज है, मिनहाल अगे मेहमान आंदे रहन, वत भी मेहमान आसन, उन्हां नू खाने तुसा दी वाए पानी भी तुसा दी वाए, ए मेहमान ही मैं दे इनू खाने मैं आप दे सा पानी। या सज्जाद दी आवाज है बाके मैं कुटा बाजू चुप पकड़ के बाके ने उठाए, बड़ी मुश्किल ना सज्जाद उठाए, रात वधी हुई है सज्जाद घर सब तू पहले उमल मसैब करीब आई है, रो रो के आज ये सज्जाद तेरी रात क्यों वधी हुई है, वात कोई भई शाम है वात कोई भी अबला रे सज्जाद आवाज आई है, पुपी अम्मा न शाम है न बाजार है, आलिया दी आवाज आई है सजा न शाम है न
बाजार वत तेरी रत क्यों वधी होई है सजाद आवाज ये पुपी अम्मा मेरा हिक मेहमान है मेरी सैनी आवाज ये सजाद में चाहूं अगे मेहमान दे रानल एक ही अजिया मेहमान है जने आवाज दी वजह दे नाल तेरी रत वध गई है हाथ चुम के लखमी है वो पुपिया ने सैयदा दे जाए अकबर सी न तू लाया आज यो सदा मैं माने सैया रो क्या दे उकुने के मैं को है वो याद आवे दे सदे उजड़न दा सामाने मैनू इन लग दे जीवे उन पिया लाने मैदा अकबर वीर जवान अल्लाह गवाए मातमी हो कोई अजिया घर नहीं जरा मौत खाली ना होए मतू जेड़ा गरीब हो सी पतला नगे सकदा हो सी मनु मिम्बा दी जादी कसम है ओ रस्ते ही छोड़े सी जेड़े रस्ते नाल बिरादा कातिल पियांदो सी चाली नी अकबा ते कातिल को खाना सजादा चाग ना दा रहे अल्लाह गवाए मेरा जुमला नहीं बिस्मिल्लाह दा सवाब हो एला मवाज ललमीनो ओवल मैंने ओने सैयदादा ए ता खई अकबा दूर दराज दवस्ता मुसाफिर सैयदा जाकिर बन के हाजिर नहीं होया मैं बनियान का बुराए वाला कहरा जल्दी है ज्यादा के वल्ला स्टेज है हुसैन ते इत पैगाम पहुंचे मेरी हमशीर जबरदस्त तकलीफ है दुआ फरमा बोलो गुसियत का चंद मिट्टी वजह से घबरा तो नहीं क्यों पाया बार गए हुसैन ज बंदा ही हुआ होता है जरा आले मोहम्मद को मंजूर हुए दूजी गल हर बंदे का कम नहीं जिक्र है सुन के बोलना ये जिक्र सुन के वो बंदा बुलंदा है जे बंदे की आवाज बदा ते खुद अली को प्यारी लगी बस मैं खुतबा तमहीद मुसद्दस या गल समझ गिने है दर्जात मुकर्रर नबियां दे कीते खालिक विच दार आएने बड़े कदरदान बैठे हो बार गए हुसैन जी बंदा आता ही हुआ जरा समझदार हो जबान वह चंगी होंगी जी जिक्र हुसैन सुन के बोले वो जबान का फायदा ही कौन बाबा जी जबान जिक्र हुसैन च नहीं बोलेंगी दर्जात मुकर्रर नबियां दे
कीते खालिक विच दारे ने मेरा पाक अल्लाह पाक किताब विच फरमाने ने कि मैं अल्लाह ने किन्हा नबिया को किन्हा नबिया ते फजीलत बख्शी है। सारे पढ़े लिखे बैठे हो रिसाले का दौर तो मैं कुरान पेश कर रहा हूँ। जो बंदा कुरान को नहीं मने दो बंदा अपना फैसला करे। अल्लाह फरमाता किन्हा नबिया को मैं किन्हा नबिया ते फजीलत बख्शी है किन्हा नबिया ने किन्हा नबिया नालों दर्जात बुलंद बनाए। बहुत तुहाडी तवज्जो हो गई है यह गल ज़हन च रख के पेश कर रहा। दर्जात मुकर्रर नबिया दे कीते खालिक विच दारे ने शिया सुनी भाई सादात गैर सादात जेड़ा चौथे फलक ते पहुंच गया है मरियम दे दिल दार चाहे ने जनाब ईसा फिर पेश कर रहे दर्जात मुकर्रर नबिया दे कीते खालिक विच दारे ने जेड़ा चौथे फलक ते पहुंच गया है मरियम दे दिल दार चाहे ने ते जेड़ा है सरदार नबिया दा अरश को बख्शिया जाएने ते जै फरश को अरश बनाया है कायनात च सिर्फ हुसैन है। मैं बिस्मिल्लाह सलामत रखे मिजाज मन्ने ता नारा मारा कर मेरे साथ कुरान रखा अमे अब्बास गवाह है जब कोई बंदा लापरवाही नाल अली दा नाम चाहता है ना अल्लाह अर्श ते बह के फरमा दे तू बंदा क्या जाने में अल्लाह ने मकाम अली बनाया क्या है। हाथ बुलंद करके सारे बोलो बाबा या अली या। मैं ज्यादा बोझ नहीं पढ़ना चाहता सारे की तवज्जो है ना बाबा दुआ फरमा दे बैठे हो ना। अच्छा दोस्त अच्छे दोस्त को अच्छा मशवरा दे दे मिजाज चाहे तो मेरे हाथ की दुआ च करे कि सही अदा कोशिश करता रहा किसी का दिल आगारी ना हो गए ना बाबा दर से आले मुहम्मद है कुछ लैके जा तेरे इकट्ठे होने का मकसद है साढ़े इस मिंबर से आवन का कुछ मकसद है। एक गल मेरी याद रखे सैयदा तुझ ही की कहानी तुझे सुनाने आया हूं कोशिश कर ये बारवा आका आवन वाले शहनशाह हूँ पहले पहले साढ़े को पूछना जरा मेरी जात के मिंबर से वेंदे आवे कौम को क्या दिता आवे तू आडे को पूछा वैसी के कह को सुन दे आवे तो कह को ना सुन दे बैठे हो ना ज़ेन मिन्ने तब बोले मेरे आके दुआ करे सलवात तुझे पढ़ मैं डीप डीप पेश कर दे मिजाज जो है एक हाथ बुलंद करके नारा सुने दी अली दे नाम दा नारा है अली मान ले आल को तू कामिल इंसान की तरह मैं जियो बाबा जियो बहुत बड़ी मेहरबानी कामिल इंसान की तरह मान ले आल को तू कामिल इंसान की तरह मान गल दी समझ आ रही ना बाबा मैं बिस्मिल्लाह कर समझदार तबका पढ़े लिखे लोग बादाओक लोग बादब लोग इंसान की तरह मान ले या अली तेरे हुक्मदार हैरान हो गए इन्ना नु तौफीक दिवा तेरे नाम दा उच्चा नारा सुना मैं बिन के मैं बिस्मिल्लाह करा की तरह मैं बिस्मिल्लाह करा आल को तू का बिस्मिल्लाह करा की तरह तेरे मलंगी जी ने रावण हाथ बुलंद करके हैदरी मान ले आबाद रहो सलामत रहो बाबू काम ले इन हिप्पो से रख करा मान ले हाँ बाबा काम ले इन साकी तरा पूजारो कंबरो मिक ताद सले माँ की तरा अल्लाह बाबे जी सलामत रहो या अली या अली सारे बुलंद बैठे हो
मोहम्मद के बच्चे जमदू मोमिन हो मलंग मिजाज हो जो हुक्म करो तो एक पैगाम सुनाई मुझे सारा का प्रोग्राम है ना बिस्मिल्लाह कर मैं मुतमईन हूं सारे दुआ कर छोड़िए ये कुरान सारा अली दी सना विच मुल्ला न मन्ने जली क्या करे ये कुरान सारा अली दी सना विच मुल्ला न मन्ने जली क्या करे वली दी कबर ते तू लावे फतवे कुफर दे ना फैज पावे वली क्या करे मौला दे आए हुए मेहमान लफ पेश कर रहे हैं दुनिया भी चमन विच धतूरे का पौधा धतूरे जान दे हो ना देखने का बड़ा खूबसूरत है पियो तो जहर तो कड़वा होता है दुनिया भी चमन विच धतूरे का पौधा फोल देवे बदबू कली क्या करे दुनियावी चमन विच थतूरे दा पौधा फोल देवे बदबू कली क्या करे दुश्मन मुर्तजा दा गिला तैडी मादा हरामी जो होयो अली क्या करे अली आबाद बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं मैं मिन्नत अला जाकिरी ना रियायती पास जाकिरी ना भेड़ भेरा तू पिन के जाकिरी लाइए मिजाज बोले तक मिजाज मन्ने बोले वरना अली कमीशन च जबर है ना मिन्नत है अली इतना बड़ा करीम है आंदे होए नु खाली वापस भेजा कदे नहीं ते जावे नु बुलाए नहीं सोंदे बैठे हो ना सच मैं बिस्मिल्लाह करे सच है मेरे पास रखे जनाब रसूल करीम दी हदीस गल नहीं होंदी जदा सबूत ना होवे अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी गल दी समझ आ रही है अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी अल्लाह ताला ने पहले पहले मैं मोहम्मद के नूर नु खल कीते कौन मोहम्मद मोहम्मद आदा है जद हुक्म है जद फरमान है मेरी जबान इतने तक नुतक भी नहीं करती जब तक अल्लाह दी जात दा हुक्म ना होवे उवा जबान शिया सुनी भाई समझदार तबका उवा जबान आका फरमेंदन अव्वल ना मोहम्मदिन व औसत ना मोहम्मदिन व आखिर ना मोहम्मदिन व कुल ना मोहम्मदिन समझना पोसी मनना पोसी जे पहला मोहम्मद नूर है तो सारे नूर सुनदे बैठे हो मैं बिस्मिल्लाह करा आबाद रहो इस वास्ते मशरा पेश कर रहे हैं बाबांगे दोहन त्रै साचे कुन्ना अल्लाह के सैयद सपीका करते चैलेंज करके गल पे सोवे ने केड़ी गल अपने जैसा न समझे ना इन भूले से कहीं अपने जैसा न समझे ना इन भूले से कहीं शिक में मादर में भी रहे माओ की गोद में आते हैं ये कुरान की तरह अल्लाह सलाम बस इतना पढ़ना जिला पढ़ ले लाजमी ने मैं घंटा पढ़ा याद का घंटा पढ़ा मैं स्टेज याली मदद भाई मैं उस सैयद ही नहीं बन रहा दाऊद अली मजहर अल अजायब तजरबा في النوائب كلها من وغم سينجلي بعزمتك يا بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي صلى الله عليه وسلم सलवात पढ़ना अजीम इबादत है बवाज बना सलवात बिल्कुल मुख्तसर जी लिपटी जमी है ये जिक्र टाइम ना मुताज नहीं ना बंदो ना मुताज है जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दा सत्तर घर बनाए
जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दा 70 घर बनाए खाना काबा बनाए जेले खाना काबा बना खड़े उले आसमान दे पासे मुंह कीते से आसमान दे पासे मुंह करके दे मेरा जबार सितार खालिक मेरा करीम अल्लाह मैं तेरा 70 घर बनाए मैं तेरा खाना काबा बनाए मैं को इस दी मजदूरी दे मजदूरी दो खालिक फरमाए इब्राहिम अगे मैं ते को थोड़ा कुछ अदा किते नियाज हुसैन मेरे पास लिखने बेदलील इबादत इंदा एक सांस कदा होने अदा नहीं हो सकता खालिक फरमाए इब्राहिम मैं अगे ते को थोड़ा कुछ अदा किते साहिब कलमा साहिब शरीयत औल अजम पैगंबर नबी बने और तू 1,24,000 नबी है तू वहद नबी है जो मैं अपना खलील बनाए तू 1,24,000 नबी है तू वहद नबी है जो मैं अपना खलील बनाए यानी दोस्त बनाए अगर एक दोस्त दोस्त कोई काम करे चाहे उनका दोस्त एहसान नहीं होता मैं भी तेरे को अपना खलील बनाए दोस्त बनाए उस वेले इब्राहिम देख के दे सही थोड़ा अपना फरमान है थोड़ा अपना फरमान है मजदूर दी मजदूरी पसीना सुकर तू पहले ले मैं थोड़ा 70 घर बनाए मैं थोड़ा खाना कबा बनाए मैं इस दी मजदूरी घिनसा ढेर सारी घिनसा और घिन के रासा मैं मिंबर दे तकद्दस दी गदे तक अल्लाह दी कसम है आखरी बंदे तक अगर जे बंदे मेरी गल सुन रही जो को मां ना दे अली दूध पिलाए वो जरूर बोले सी मैं थोड़ा 70 घर बनाए मैं थोड़ा खाना काबा बनाए मैं इस दी मजदूरी घिनसा ढेर सारी घिनसा और घिन के रासा जेले इब्राहिम बार बार तकरार कीते मैं तेरा 70 घर बनाए मैं तेरा खाना काबा बनाए मैं इस दी मजदूरी घिनसा खालिक दी आवाज है इब्राहिम एडा बार बार जो पियादे मैं तेरा 70 घर बनाए मैं तेरा खाना काबा बनाए क्या ते मेरे अली दे भूखे शिया को एक टाइम दा खाना खवाए क्या ते मेरे अली दे भूखे शिया को एक टाइम दा खाना खवाए खालिक दी आवाज है इब्राहिम जरा आसमान दे पासे देख इब्राहिम जले आसमान दे पासे डिठे मिंबर दे तकद्दस दी कसम खालिक दी आवाज है इब्राहिम क्या डिठे इब्राहिम दी आवाज है पालने वाला चंद चंद दे उते सुनहरी ताज है इर्द गिर्द 11 तारे तारों दे दरमियान कोई चीज है जेडी गर्दिश पे करे दी है खालिक दी आवाज है जेड़ा तन है ना चंद ओ अली है जेड़ा सुनहरी ताज है ओ मुहम्मद है जेड़े 11 तारे न ओ अली दे पुत्र न जेड़े इर्द गिर्द गर्दिश पे करो न ओ अली दे शिया न मिंबर ते तकद्दस दी कसम इब्राहिम दे के दे के साहिब कलमा साहिब शरीयत औल अजम पैगंबर नबी बने अगे ते दा एहसान है मैं को खलील बने मैं ते हिको एहसान कर मैं को अली दे शिया तू हिक शिया मैं को अली दे शिया चू हिक शिया बना शिया दा बहुत बड़ा मकाम है जदा शिया मजलिस च मौला हुसैन दी चलोंदा है ते मेरी सैन मासूमा फूफी आलिया दे करीब आंदी रो के आंदी फूफी अम्मा ए जेड़े बाबे को बैठे रोन ए साडे क्या लगदे न फूफी अम्मा ए जेड़े बाबे को रोंदे बैठे ए साडे क्या लगदे न मेरी सैन दी आवाज है मासूमा ए तेरे दादे अली दे शियन उस वेले मासूमा देख के आदी है फूफी अम्मा अगर ए करबला दे मैदान च होवे ना मेरा बाबा इवें तसत में मरी गया अगर करबला दे मैदान च ए मेरे दादे अली दे शिया होवे ना मेरा असर त ना मरी गया मेरे इन दूर त ना लावे ना बस मत मियो जदा काफला करबला थो कै थी के शाम वेंदा पिया ना करबला ते शाम दे दरमियान एक मकाम है जदा ना है अस्कलान करबला ते शाम दे दरमियान एक मकाम है जदा ना है अस्कलान दे मकाम ते इजालन दे बच्चे दरख्तां तले सही बैठे कढ़े ने सज्जाद दे काफले चू 4 साल दी बच्ची है उठा आई है जिथा फूफी बैठी रो क्या दी फूफी अम्मा फूफी अम्मा ए जेड़ा सामने वाला दरख्त खड़ा है कुछ देर मैं आराम कर गिन फूफी अम्मा तो को पता है 7 मुहर्रम तू घिन के आज 12 मुहर्रम तक ना मैं खाना खादा ना मैं पानी पीता है फूफी अम्मा जे तू आखे ई सामने वाले दरख्त रे कुछ देर मैं आराम कर गिना मेरी सैन आलिया दी आवाज है मासूमा मैं तक मना न करे सा मगर ए जालिम तक वने दे से सैद किताब लिखे दी हुसैन दी ओ दरख्त ले ये जिथा अधी धूप ही अधी छाई दी हुसैन दी को नींद जो आई ना शरीफ दोए हत नाल मिट्टी इकट्ठी की मिट्टी दा तकिया बना के सुती मिट्टी दा
तकिया बना के सुती है। शरीफो बख्त होवे ना बख्त अचानक वक्त आवे बख्त आली गल्ला वक्त जरूर याद आवे ना उस वेले मासूमा को पुराना वक्त याद आए मासूमा रोलो के पे आदे बाबा ओ वक्त हां ना मैं तेरे सीने ते समदी हां बाबा ओ वक्त हां ना मैं तेरे सीने ते समदी हां बाबा तू सो सफर वेंदे आवे पुछते आवे मासूमा मैं सफर वेना पिया तेरे वास्ते केड़ी शय गिनावा बाबा मेनू खजूर खुरमे चंगे लगदे ने बाबा तू सा गिना दे आवे मासूमा रोलो के पे आदे बाबा इतना जो ख्याल रखदा आवे आ देख मैं भूखी सुती पई बाबा आ देख ना मैं भूखी सुती पई हां मातमियो साहिब किताब लिखा है असकलान दे मकाम ते मासूमा को निंद्रा आ गई है एक मील काफला टूट गया एक मील दे फासले ते हुसैन दी सांग रुक गई है हुसैन दी सांग दा रुकना 42 उठ रुके ने 71 सांग रुकी है ए जालिम दा बच्चा सजाद को ले जालिम ने कहया सजाद तेरे बाबे दी सांग क्यों नहीं टूटदी सजाद फूफी को ले अकल मार के दे फूफी अम्मा ओ फूफी अम्मा बाबे को पूछ क्यों नहीं टूटदा फूफी अम्मा हुण त मेरी कंड मजीद ताजियां ने नहीं बर्दाश्त करेंदी उम्मुल मुसैब बिरा दी सांग दे तले आ खड़ी रोकिया दी अम्मा दा जाया ओ भैणा मरनी क्यों नहीं टूटदा रुन्ने हुसैन ओले ओले आजिए जनाब दा मरमई पेशिंदा टैमा अम्मा दी जाई मैं थोड़ा पकड़ के वखरा गिन गई है मैं रो रो के आखा लेना मेरी जिंदगी दा नाम है सकीना बारा मुहर्रम को मासूमा तोरे नाल कह दो के शाम वन्ने पन लंबा मेरी दीदी पारा तोई और जो पूछ दिए टुटदा क्यों ने किवे टुटा पिछले मंजिल ते मेरी दी रह गई है ए लालम सजाद को ले लालम ने क्या रे सजा तेरे बाबे दी सां क्यों नहीं टुटदी सजा दी आवाज आई ओ लालमा मेरा बाबा दे मैं तो न टुटदा जो पिछले मंजिल ते मेरी दी रह गई है ए लालम ने क्या रे सजा के आया बालता के भी जन दे सैयदी आवाज आई ओ लालमा जेरे अगे ए दिए सैदा दी गैरा तो मसले अल्लाह गवाह मातमी हो ए जालिम दा बच्चा सजिया दा इशारा करके आ दे सजाद मेरे सजिया ती ताजिया ने सजाद मेरे सजिया ती ताजिया ने मैं उठा नू ताजिया ने मरे सा बेर ते बिलाव दा प्यार उतले जेरे आलिया दा मामा टुरा हुसैन दी सांगा पे टूसिया उस वेले मातमियो उम्मल मसे बोलिए रो रो के आदी ओ जालिम मैं जब पया दिया ना उठ से ना सांगा टूसे ना ए नालिम ने क्या दे कह दिन बीबी उठ भी टूसे ते सांगा भी टूसे ना मैं अल्लाह गवाए आलियो ने सजा टुटा दी गर्दन ते रखाया रो रो के आदी अल्लाह दाए वहां शरीफा ते वक्त आवे ना मैं अकबर दी मां गाजी दी बेना हुसैन दी बेना मर वंजे कदम ना चवाए मातमी वाला जाकड़ा बिताली उठानिया गोरिया जमीन ते लगी है ना हर वादी आवाज पया दे बीबी गो ओए ले आखई जेले शाम आ गई है करबला के आ तेनू मदीने गिन वनुआ जेले उठा गोरिया लई है ना ए लालम ने क्या दे सजल तू आज मासूमा नु गिना जेड़ा 9 लाख चो सब तो बड़ा जालिम आ उदा नहा जजर बिन कैस ए जालिम ने क्या दे जजर तू आज मासूम नु गिना चले जजर बिन कैस इनी चे यार बीबी ओ दस्ते दुआ बुलंद कीते आलिया दी आवाज ये मैं डाला ए वदा जालिम परदेश मेरी दी दे छुड़ा मनाला कोई नहीं हमीद बिन मुस्लिम रिवायत करें दे जेले सैयदादी वेर की तेर मैं तुम बर्दाश्त नहीं होया हमीदा दे सचल दा
ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਰਾ ਬਾਦ ਟੁਰੇ ਹਮੀਦਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲਈ ਜੁਲਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਕੈਵਲੇ ਸਜੇ ਦੋੜ ਦੀਏ ਕੈਵਲੇ ਖੱਬੇ ਦੋੜ ਦੀਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਂ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਜਾਦ ਲੱਗਾ ਗਈ ਹੈ ਹਮੀਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾ ਫੀਮ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਤਾ ਮਾਸੂਮਾ ਕਰੀ ਹੈ ਹਮੀਦਾ ਦੇ ਅਜਲੇ ਰਿਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲੇ ਮੁੱਚੇ ਵਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸਭ ਪਈ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨੇ जो तड़प रहा उसे हुल मजा तेरे तीर ने बड़ी मीठी नींद सुला दिया अल्लाह मोहम्मद الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد صل على محمد وآل محمد يا مولا سيف الزمان أدركني بحق حجاب سيدا صلوات اللهم صل على شيعة سنی بھائی حسین ہر مذہب والوں دا سانجھا پیر ہے ماشاءاللہ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬਕਾਈ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਕਲਮੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਹੁਸੈਨ ਹੈ
एक कलमा बचावन वाला भी हुसैन है। जेड़ा बंदे नु तमीज है कि मेरी माँ है, मेरी भैन है, मेरी फुफी है, मेरी खाला है, जिस बंदे नु ना रिश्ता दी पहचान है, रिश्ता दी पहचान करावन वाला हुसैन है। जितनी अकीदत रखते हो नाम है हुसैन। इस हुसैन के मुतल्लिक मोहम्मद का फरमान है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। हुसैन मेरे विचों है, मैं मुहम्मद हुसैन दे विचों। जेड़ा हुसैन का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जेड़ा मेरा दोस्त है वो अल्लाह का दोस्त है, जेड़ा अल्लाह का दोस्त है उनका हमेशा वास्ते मकाम जन्नत है। जेड़ा हुसैन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जेड़ा मैं मुहम्मद का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन का हमेशा हमेशा मकाम ही जहन्नम है। इतना ही बंदा है जो बंदे दिल च मोहब्बत हुसैन है। सैयद आ कोशिश कर सा हर दिल च दुआ लवा, ये कुछ ना कुछ काफी चेहरे देते बैठा मजलिस दे विच आवण दे आदाब ये जरूरी है। इत्थे आराम नाल सुकून नाल बह के जिक्र सुनना जरूरी है, है? क्योंकि भाई जान दूर गो कई इंसान हैवान के रूप में फिर रहे हैं। सुनो बेटे बेटे फिर के देखो तो हैवान तो बात है, कई हैवान ऐसे हैं सुनो बेटे जो इंसान का तो बेहतर है। मैं आपको गल नहीं पेश कर रहा, मेरी कोई गल बगैर सबूत ना हो सी, क्योंकि मोहम्मद है ना जो बोलेंगे बैठे बोलेंगे रवे, ये थोड़ा बोलना इबादत है। जो बंदा इतने बोले इसी उस बंदे को कबर तकलीफ नहीं होगी। सुनो बैठे हो ना इतने बड़े सिर हिलावन ना, इतने बड़े सिर अल्लाह इतना सारा दिमाग रखे मेरे शिया सुनी भाई, दिमाग सोचने अल्लाह ता कीता है, जबान अल्लाह बोलने जी, जबान जिक्र मोहम्मद सुन के नहीं बोलेगी जबान का फायदा ही कोई नहीं। आप ही मेरे बढ़ावन की खातर जा करिए मुकर तो नहीं आखता बोलो, वो थोड़ा रस्ता बढ़ावन की खातर तो आखद है। क्यों कबर ही सवाल हो कि मन रबो का तेरा रब कौन है, वो तेज कर सी बोल मेरे नाल, वो तो सिर हले से नहीं, अगर सिर हले से ना इतने जाके तो मुकर रियायत करते ना, उतने ना फरिश्ता रियायत को नहीं करनी, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਾ ਹੈ ਦਸਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੋਣੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ ਦੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ 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 ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ 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 ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜਨਾਬ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅਜ਼ਨ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨੇ जेड़ा बंदा आजान दे नाल मुअज़्ज़िन दे हर लफ्ज़ दे नाल नाल लफ्ज़ पढ़ता रहा सी मैं मुहम्मद जामिना पूरी जिंदगी चो बंदा मकरूज़ ना हो सी। दरसे आले मुहम्मद नहीं बन गया ईमान ना दस लाजमी नहीं होता जा के लावे तुम सुरीले खुतबा सुरीली रुबाई सुरीला कसीदा सुनावे, है नहीं तुम्हारे इकट्ठे होने का कुछ मकसद है। ये बानियान भी इतना बड़ा खर्च कर दें साढ़े मिजाज मुताबिक सानू मुंह मंगिया नियाजा देने तुहाड़ी भी खिदमत कर दें। शिया सुनी च ऐलान होना है कि फला मकाम ते इकट्ठे हो जिक्र हुसैन होना है, इकट्ठे होने का साडे गुलाम का साडे मिंबर ते खड़न का कुछ मकसद है। सुन बैठे होना हजे नफसी की खातर ना आया कर फिलहाल बहुत बड़ा सुरी लाए, सुन बैठे होना फला बेसुरा है नहीं 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 तुझ ही की कहानी तुझे सुनाने आया हूं। कोशिश कर रहा कोई कीमती गल तेरे ज़हन च बह गई, पूरे मजमे च जवान बुजुर्ग शिया सुनी किसी दे अकल च मेरी एक कीमती गल बह गई तो उसका भी जरिया निजात है, मेरा भी जरिया निजात है। तवज्जो है ना मेरे मौत एक सलवात देखा सारे पढ़वा ले मोहम्मद इजाद अल्लाहुम्मा सल्ले अला ये दो दुआ में दुआ फरमाओ इस अजीम जिक्र का सदका जेड़ी जेड़ी तुसी तमन्ना लेके आए मौला तुहाडी हर नेक तमन्ना पूरी फरमा दे।
بڑے ساڑے مولا صغیرہ کبیرہ گناہ دی معافی عطا فرماوے، بے اولاد کو مولا اولاد نرینہ عطا فرماوے، بے رزق کو مولا پاک صاف طاہر وسیل رزق عطا فرماوے، جو مقروض ان مولا غیب چنوں دے قرض عطا کرن دی توفیق عطا فرماوے، جو بے گناہ قید ان مولا باعزت بری فرماوے، جو بے معرفت ہن معرفت حاصل کرنا چاہن تا مولا نو اپنی ذات دی معرفت و پہچان نصیب فرماوے، ذوالفقار حیدری کو مولا زندگی آلا حیات کے بچہ عطا فرماوے، بھائی مقبول حسین دے گھر تکلیف ہے مولا امام حسین علیہ السلام نے قصیت کاملہ عطا فرماوے۔ ہوں توجہ میں ذکر شروع کرنا والا ہوں، بیٹھ اٹھنا بند کر دے سو جڑے گرا آس ہیں جتنے جتنے ذکر ملتے تو بہنے ویسے میں بغیر انتظار تو ذکر شروع کر دیتا سرکار دا، سارا نا پروگرام ہے نا بابا، بے چین لوگو چین بولو، بے چین لوگو چین بولو، جڑا بندہ آدھے نا میں دولت ہوئے میرے کو ٹوڈی ہوئے گراڈو ہوئے سن کے بیٹھے ہو نا کاٹن ہوئے کوٹھی ہوئے بنگلہ ہوئے مربے ہوئے بینک پیلس ہوئے، یہ عزت نہیں، اگر اسی چیز عزت ہوئے تو کنجرا دی بہت بڑی عزت ہوگی، سن کے بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو، تو سننے والا بن کے میں پڑھ رہا مذہب سلامت رکھے، میں اللہ دی کلام پہ سن وینا، ایندا معنی اے نہیں اللہ جے بچائے ڈھیر دولت چلے رہے سن دے بیٹھے ہو، اگر زیادہ دولت وچ عزت ہوے تے فرعون کو وڈا عزت سن دے بیٹھے ڈھول گئے، ہائے 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 ہر بندہ برابر نہیں مجلس دے وچ، میں پڑھ ساؤں جو سید کو حق کے پڑھن دا، تو سنن نال پڑھ سکتے میں پڑھ ساؤں، اگر تو زمین مال کے بہے بنے رتی بھر کران کے تیرے دل وچ محبت ہے، محبت ہے دیکھ میرے پاسے اے تیری زبان حد دی ہتھیلی تے آ کے علی علی نقیت تے میں سید زاکری پنی وی نہیں، بعد اولو لو اے علی ایمان نال دسو جنت نہیں بن گئی مجلس، اگر جو پڑھن نال تو سن سکدے ہو، بات تو زمن تشابت تو زندو من تشابے یاد کل خیر انکا علا کل شیء قدیر، ایدا معنی اے نہیں کہ جڑا سب تو وڈا دولت مند ہوے جے کو اللہ ڈھیر دولت دے وے وڈا عزت دار ہوندا ہے، اوے دولت تے فرعون کو خدا ای دعوا کرا دیتا سن دے بیٹھے ہو، یا دولت ای میں بسم اللہ کرا جے شداد کنے نمرود کنے تکیا لوس کنے خدا ای دعوا کرا دیتا، نا نا ایدا معنی اے نہیں، ایدا معنی اے سب تو بہت بڑا عزت دار او ہے جے دے دل وچ محبت اہل بیت ہے، سن دے بیٹھے ہو، یہ کچھ آ دیتا ہے کرو بولن دے ایتھے بول سو تا قبر ہی تو تکلیف نہیں ہونی، سن دے بیٹھے ہو نا، ہاں او زبان دا فائدہ ہی کوئی جی زبان بھی رکھدا ہے سندا ہی ہے سمجھے دے بولے دا نہیں، نا 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 کوشش کر بولن دی، ایتھے بے چین لوگو چین گولو پھر کے سارا دارین گولو، شاباش، بے چین لوگو چین گولو پھر کے سارا دارین بولو، کیوں سیدوں کے مشرف یا دین دیں قدم قدم تے یزید ڈھیر ان خدا دے بندے حسین بولو، شاباش، میں تو کچھ اور سوچتا پیا، مولا دی عزت دی قسم میں محسوس ان پیا ہوں دے تواری محبت ان پہ دستی ہے جیویں مجلس ہون شروع ہوئی ہو، میں تو جوسی نہ کر سجلی دیر پڑھ سا کہ پچھلے سال مولا جان دے میں پھس گیا ہوں دم پہنچا گیا تھے براہ آ کے بھی پچھلے سال علی کسوری کرنی ہے، تو سا اگر صحیح میں نے خلوص پیش کی تا تے نوکری میں جیسا جو میں حلالی نوکر سردار دی نوکری دے دے مولا سلامت رکھے، کوشش کی تھی کرو، ایک اگر میری ذہن چ رکھا ہے میری پڑھائی اس قسم دی ہوندی ہے کوشش کرنا کسی دی دل آزاری نہ ہوئے، کیونکہ درس آل محمد ہے یہ میرے بھائی ہیں، ساڑھا کام ہے شان حسین دسنا، اگر کوئی مننے یا نہ مرے ہو دی مرضی ہے، پورے شیعہ علماء اہل سنت جماعت دے علماء اہل حدیث اہل دوبند دیوبند جتنے ہر علماء تے میں سید چیلنج کہے کتاب وچ دکھا میں کہ محمد کسے کافر نوں ڈانگ مار کے آکھو کلمہ پڑھ کسی گال کڑ کے آکھو نہیں، خلق عظیم دا مستحق ہے، محمد کردار ہی ایسا پیش کیتا ہے کافر مجبور ہو گئے، جے اللہ دا نبی اتنا کریم ہے اللہ آپ کتنا کریم ہو سی بیٹھے ہو، شاباش شاباش سارے لوگ سارے
शाबाश बंदा होवे ते बंदे जे बंदा पढ़े ते सुने नहीं 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 मैं जिक्र पेश कर रहे हैं मैं कलाम ही हो पेश कर रहे हैं जेडी कलाम सुन के पहाड़ टूर पौंदे मुर्दा जिंदा होवे ने तू इंसान है अपने आप को इंसान समझता है ज़हन मेरे पास रख तेरी इबादत जाने तेरी अकीदत जाने ते हाले मोहम्मद जाने इस तू पहली गल सुन लो तू अशरफुल मखलूकात है मेरी गल तो नागवार तो नहीं गुजर रही जो लोग चस चावड़ है उन्होंने मैं ठेकेदार नहीं हाँ जो जिक्र इबादत समझ के सुनना है उन्होंने लोगों का मैं जिम्मेवार भी हाँ हर गल को मेरी जहनी जगह दे सो ते मैं वादा करता जय मकाम ते सैयद दे लफ्ज याद आ गए हलाली बंदा मेरे हक की जरूर दुआ करे तू अशरफुल मखलूकात है अल्लाह ने तेरे अशरफुल मखलूकात बनाया बनाए इंसान है तेन हैवान भी बना सकता नहीं बना सकता बना सकता ही ना इन अल्लाह अला कुल शैन कदीर जो है इंसान बनाए इंसान बना के मैं तेन अकल सलीम अता की सोच रास्ते अकल अता की मोदी जी मिसाल दे बाजार में दो पैसे का बर्तन खरीद कर दे इन्हें ना मैंने एक दर्जन प्यालियां में देख ली कराकरी वाले कि जी ये देख लो वैरायटी है ये दा ए रेट है इस दा ए रेट है इस दा ए रेट है सुन दे बैठे जेड़ा तुम पसंद है वो ले लो ऐदी कितनी कीमत है सुन दे बैठे हो ऐदी इतनी है ऐदी इतनी है ऐ इतने का दर्जन देना है जेड़ा तुम पसंद आ सी पैसे कटे जेब में मेरे पास देखी भाई जान मेरी हर आखी चाखे मैं सैयदी ना जाकिर नहीं मैं रियायती पा जाकिर ना मैं जाकरी इमाम हुसैन दी भैन तो पिन के लाई जे मकाम ते बैठा है ज़ेन हाजिर रख ते मैं वादा करना बैठा इथा है तेरा ज़ेन में मदीने न लाया मैं मन्या था मैं सैयद बन के आया ही नहीं मौला तो पिन ही होगी बाद उन लोगों ने जिन लोगों ने मदीने वाले नाल प्यार हां बेकार बंदे इस मकाम ते आ ही नहीं सकता दो पैसे का बर्तन खरीद करते हैं देखते हैं कि तो टूटा हो तो नहीं कि तो त्राड़ तो नहीं इन्हें ना पिल्ला ना होवे कच्चा ना होवे कच्ची मट्टी तो नहीं पड़ा सुन दे बैठे हो ना ये मेरे दो पैसे जाए ना हो मन जैसे इन हले दे बैठे सिर सिर हले दे मैंने थोड़े ते तबार है जरा जबान ना बोले ने बैठे बोले दे रहा सो क्योंकि मजरे दी जीनत लोग हो जरे बोले ने तन दो पैसे दुनिया दी झूठी दुनिया दो टक्के इतने प्यारे ने कि मेरे जाए न जावे दो पैसे जाए न जावे ये मैं बर्तन वेख के लवा टूटा हो ना हो फिल्ला हो ना हो द्राड़ ना हो गलत मट्टी तो ना पड़ो सुन दे बैठे हो थोड़ी जिंदगी हो ये पढ़े दे तो सुन दे तो पढ़ दे है ना बाबा तू सब पढ़े दे तो सब पढ़ दे है ना जाकर मुकर्र और दीवार बिस्मिल्लाह कर दीवार नहीं बोलेंगे तू सब बोलेंगे बिस्मिल्लाह आओ ए थोड़ी मिजाज की गल कर रहे हैं मैं फिर रिपीट कर रहे हैं गल नाराज तो ना हो तुसे मौला ने मेहमान है एक गल इन्हें जहनी चावे दो पैसे का भाई जान बर्तन खरीद कर दे बाजार चो वेखते हैं टूटा नहीं कि द्राड़ नहीं बार बार दे तेरी जिंदगी हो गई पिल्ला नहीं कच्ची मट्टी का बना हुए नहीं झूठी दुनिया तेन इतनी प्यारी है बर्तन दो पैसे का वेख वेख के लेने ते जिस ते दारो मदार है यौ मन तो कुल नासम बे इमाम हिम बरोज मैशर हर मुक्तदी अपने अपने इमाम के पीछे उठाया वे सी जिस झूठी दुनिया दो पैसे का एक बर्तन बार बार देता है ते जिस इमाम ते दारो मदार है उसकी जरा पहचान नहीं करता इसका हसब की में इसका नसब की में इसका किरदार समझे बैठे ये डूब रहे हो शाबाश मेरी मकसद ही पूरा हो गया जबर नहीं है ला इकरा फी दीन नहीं है दीन में जबर मोहम्मद मुस्तफा को भाई जान कोई आया है तो खाली नहीं मोड़े कोई नस के चला गया था मोहम्मद ने वापस बुलाया नहीं समझे बैठे हो शाबाश ये दर्शी आले मोहम्मद किरदार पैदा कर किरदार पैदा कर सारी हिस्ट्री तेरे सामने है सारी हिस्ट्री तू इंसान नहीं है तेरे सामने غور نال علیحدہ وچ بیٹھ کے نجاشیہ دے علماء کرنے میں ملنگ سید نجا اہل سنت جماعت علماء کرنے کسے مولوی کو نجا علیحدہ وچ بیٹھ کے اپنا فیصلہ آپ کا یزید دا کردار تیرے سامنے ان دے بزرگ دا کردار تیرے سامنے حسین دا کردار تیرے سامنے حسین دے بزرگ میں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر
बिस्मिल्लाह मैं मुतमईना अलग किच बह के सोचे हुसैन किस खानदान नाल ताल्लुक रखदा है हुसैन का शजरा नसब क्या है सुनते बैठे हो यजीद किस खानदान नाल ताल्लुक रखदा है इहदा शजरा नसब क्या है इहदा खानदान किस किरदार का मालिक सुनते बैठे हो ना हुसैन का किरदार क्या है हुसैन के खानदान का किरदार क्या है बस आखिरी गल पिया करदा अलग किच बह के सोच लवे इत्थे शिया दे इमाम ने 12 मासूम ने 14 सुन दे बैठे हो मुहम्मद जनाब सैयद अनु नाल मिलो तो 14 मासूम बन दे ने इमाम ने 12 पहला इमाम अली ने सलातु सलाम तो लेके 12वें आका मादी हादी जैकुंदी ज़हूर दी शिया सुन्नी को इंतजार है हर मजहब अला मने दे के 12वें ने आमने हक के बातें दा निकाला करना है जान हक वजा कर बातल इंदल बातल काना जहू का बैठे ये टुर गए हो हक आया बातल खत्म कोई सेंस नहीं होनी कोई बिजली नहीं होनी कोई बारूद नहीं होना सुनते बैठे हो जान हक वजह कल बातल एनल बातल काना जहू का हक आया बातल मिट गया फिर तेनु किस चराग जगावा की जरूरत नहीं बिजली तो होनी कोनी मोटर कारा खत्म सुनते बैठे हो ना भाई जन मैं आज मौला की कसम कुछ और सोच के आया इश्क ये थोड़े मिजाज वे किस पास में चल पिया क्योंकि उदे अमर तो बगैर बारगी नहीं हलदा जद बारवी आका आवना है जद बारवी आका तो जहूर होना है सोचिया है हम तो शुरू ले कसीदे सुनता रहे रुबाइया सुनता रहे कदे कलाम हक की सुनी कर हर साहिब मिंबर नु वाजिब फर्ज थोड़े कल तक हक का पैगाम पहुंचाए अगे तुसी अमल करो थोड़ी मर्जी है ना करो थोड़ी मर्जी है मैं आवा तो दो तो सुरी ने कसीदे पढ़ा के वाह वाह करा के चला जावा ये न दस सके ना कसीदा दा वारिस कौन इन उना दा किरदार क्या है सुन दे बैठे हो वो कसीदे भी पढ़ सा लेकिन ज़ेन इस पासे लाया जटा बारवे आका तो ज़हूर होने खाना काबा दी छाते मेरे मौला ने आके अजान देन जनाब ईसा सुन दे बैठे हो रूहुल्ला ये खलीफा बन के आसी माशाल्लाह आजान तो बाद मेरे आका ने तकरीर करनी गल ये सैयद काबिल गौर है बच्चे देता पियो हमतन गोश होके सुनते पे जवान बुजुर्ग शिया सुन्नी भाई सुनन दा हक इवें जी थोड़ा ज़हन मेरे पास है हुन फुल थोड़ा ज़हन मेरे पास है गल ये सुनन दे काबिल है भाई जान जद बाद में आका ने ए काबा दी छत ते आके आजान देनी है फिर थोड़े सारे इमाम ने तो सरात गिन के अर्श उला तक 84,000 आलम 84,000 आलमीन दा भी ए इमाम है वापी सीढ़ी दा आफ ख्याल करे पे गल बड़ी लंबी चला छोड़ी है ए बजी तो सुन सो मेरे हकी दुआ करे सो तुम्हारी तवज्जो है ना बाबा अजान तो बाद मौला तकरीर करनी है गल ही सुनना सुन मोहम्मद दे 12वें नायब ने तकरीर करनी सुन दे बैठे हो तकरीर कलाम एक होनी है गल एक होनी है उर्दू वाले समझे सन के उर्दू है हर बंदे ने मेरी गल दी समझ नहीं आवणी जनू आवे उस दुआ करना है उर्दू वाले भाई जान समझे सन के उर्दू तकरीर है लफ्ज एक होना है ये नहीं जो लफ्ज अलहदा अलहदा उर्दू वालों वखरा ईरानी नु वखरा अरबी नु वखरा सुन दे बैठे हो सिंधिया नु वखरा पंजाबिया नु वखरा ना ना कलाम एक होनी है समझना हर जबान अले इंसान है सुन दे बैठे ने ईरानी समझे सन फारसी है पंजाबी समझे सन सुन दे बैठे हो ना ओ इमाम हो दे अल इमाम इमाम मन वाला कान है सबिया इमाम इमाम हो दे भवे मां दे शित विच क्यों ना होवे कुल्ला शैना सैना फी इमाम मिन मुबीन अल्लाह ताला फरमाए मैं तमाम हर चीज का उलूम जड़ा है इमाम दे सीने च रख छोड़ा है इमाम किसे टाइम मोहताज नहीं होंदा इमाम वो होंदा जड़ा हैवान दी गल तू भी वाकिफ होवे तेरे इरादे तू भी वाकिफ सुन दे बैठे हो शाबाश तेरे इरादे तू भी वाकिफ होवे जी इमाम वो नहीं होंदा जिस को चलाए चलो एक सवाल इमाम साहब जी साडा फला सवाल है इहदा जवाब क्या है इमाम मोहताज नहीं ये ना कि थोड़ी जिन देर ठहर जा मैं किताब देख लवा जा घर जा के किसी को पूछ सुन दे बैठे हो इंतजार कर मैं घर जा के किसी को पूछ के आवा ना 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 इमाम मोहताज नहीं है तू इरादा कर से बल्कि इमाम वो होंदे मेरे को हजारों सबूत ने किताब मेरे को भी मौजूद है मैं जो इसरा
یہ منڈیرے تیرا کیا ہے موجود ہے امام وہ ہوندا ہے جڑا تیرے ارادے تو واقف ہو میں قدرتی گل چلا یہ بار وی آ کا یہ گل سنائی میں تو ان بار وی جس بندے ہو میں بسم اللہ کر اس کتاب وچ ایک شاہد دان سے اس کتاب وچ فرمان ہے میرے مولا محمد مصطفی ایک صحابی سوال کیتا مولا تو نائب کتنے انہوں نے خیصیت کیا ہے سنو دے بیٹھے مولا گرن گرن کے دستے تھے آقا جس دی بارویں دی انتظار ہے جلے آپ نے بارویں نائب دستے آنا اتھے شہن شاہ فرمینن وہ پردہ غیبت چھو سی جنہ اللہ دی ذات حکم ہویا وہ دا ظہور ہو سی تی جنہ اس دے ظہور تے شاک کر رہے اس میں محمد رسالت تے شاک کیتا ہے جنہ میں محمد رسالت تے شاک کیتا ہے اللہ دی توحید تے شاک سنو دے بیٹھے سارا جی توجہ ہو گئے ایک بار میں امام دا بابا پیو یارمہ امام امندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تان تیرا نہ بن سن دے بیٹھے ہو نا تھوڑے جہاں پیرار میں پورے مجمج پہشانیاں پڑھ لئیے میں سارے سمجھنا آپ کے پاس آؤ لوگ بیٹھے ہو یارمہ امام امام حسن عسکری علیہ السلام بارمہ امام دا بابا سامنا دے نال ایک پنڈ جو مثال چکوار مرکز سن دے بیٹھے ہو دنال راجہ برمان ایمیں نا ایمیں ایک پنڈ ہے مولا دے منہ نالے چاند راتی اکٹھے ہوگی ڈیرے تھے یہ میں بھائی مریو سے اندر ڈیرے ہیں میرے بھائی جاندہ باقی بھائی جاندہ ڈیرے تھی اکٹھے ہوئے بارہ یارہ بندہ یارہ بندہ دے اکٹھ ہویا انہوں نے کہا یہ بارہ امام کو جانا چاہی دے ایک کہا کہ میرا جی فلان سوال ہے میں یہ مسئلہ پوچھنا ہے بھائی جانا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے سن دے بیٹھو اس عزیزہ کہ یہ مسئلہ ہے میں یہ کہ میرا یہ مسئلہ ہے سن دے بیٹھو نا ملک مریو سنا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے ہر بندے اپنا اپنا مسئلہ ایک سفید رج بزرگ بیٹھے میری گل توڑ تک پہنچ نہیں پہنچ نا سارا نعرہ یہ تھکو ہے نعرہ نا تھکو ہے نعرہ زندگی ہوگی مسئلہ علیحدہ علیحدہ ایک بزرگ بیٹھا سفید ریش اس سے سبھی میں تسا مشورہ دینا اس سے عمل کرو تے کوئی پریشان نہیں اس سے جی اس سے مشورہ یہ ہے بجائے سارے جان دے ایک بندہ منتخب کر دے ایک بندہ چون دے اس نے لسٹ بڑھا کے دے دے غور ہے نا ایسے طریقے دی پڑھائی جنہیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے لے اللہ کے ملتے رہ کے کڑوک دا برباد نہ کرے نا میں بار بار سمجھا سمجھا کے بھی آگا تھوڑی زندگی ہوئے اے لسٹ بڑھاؤ نمبر وائز ترتیب وار لسٹ بڑھاؤ نمبر نام اگے سوال نمبر نام اگے سوال ان ساروں کو سمجھا گئی ہے نا لسٹ بڑھائی گئی جی میں سارے سٹے سیکٹری ہیں انہوں نے ملک صاحب حکم دیتے بے لسٹ بڑھا اس ترتیب دینا فلا ذاکر نمبر وان سن دے بیٹھے ہونا فلا ذاکر اگے اتنا ٹائم فلا ذاکر نام اگے اتنا ٹائم انہیں ترتیب وار نمبر وائز لسٹ پڑھی گئی پہلے مومن دا نام لکھا گیا نمبر وان نام اگے سوال پھر نمبر دو نام اگے سوال شاباش یعنی پرچہ بڑھ گیا ساری لسٹ بڑھ گئی آخری جڑے بندے دا نام ہے وہ یارواں بندہ جڑا نا ہے کامل بڑے غور رسول کامل نوجوان ہے خوبصورت ہے شریف ہے شریف کیوں نہ ہوئے نا جڑے منے دے شریف آنو ہے سنگے میں چھو اللہ دی قسم میں کچھ اور سوچا ہے یہ توڑے چہرے پڑھ کے نا میرا مزاج بڑھ گیا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے مولا دا فرمان ہے وہ بندہ حیوان دی موت مر گیا ہے جیڑا بندہ پوری زندگی چا اپنے امام دی پہچان کر کے نہیں ہوئے جی یہ ہونے بھی کھا سکتا